स्पीकर महोदया, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बिल को यूनानिमसली समर्थन किया है। मैं ये मानता हूं कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस काम करते समय अनेक प्रकार की अड़चनें सरकार के सामने हैं और स्वाभाविक रूप से इसको करने के लिए बहुत पैसे की भी आवश्यकता है। मेरे अनेक डिपार्टमेंट के जिम्मेदारियां हैं, पर मैं केवल इनलाइन वाटरवेज के बारे में ही केवल जवाब दूंगा। मैं ये बात जिम्मेदारी से इस सभागृह में बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सपने दिखाना नहीं चाहता। सपने दिखाए हुए नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं होते तो उन नेताओं को जनता दूर की पूरी तरह से समाप्त कर देती। ये देश का इतिहास है। पर जो लोग सपने दिखाते हैं और दिखाए हुए सपने पूरा करके दिखाते हैं, उन्हीं को जनता याद करती है। और इसलिए मैं एक एक बात का पर मैं स्वागत राय जी को जवाब दूंगा कि मैं जितनी बातें आपके सामने, स्वागत राय जी, अच्छा हुआ आप आए, क्योंकि मैं आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जो बातें मैंने कही और जो जो नहीं हुई होगी, ऐसी एक भी बात अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं आपके हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। जो बंगाल में आपने कहा हल्दिया के ड्रेसिंग की बात की, 450 करोड़ रुपए खर्चा होते थे, हमने ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई के आईआईटी को इन्वॉल्व किया और वो चैनल को हमने अच्छा बनाया, और 450 करोड़ जो साल के खर्चा होते थे 250 करोड़ बचने लगे, केवल 200 करोड़ रुपए में ड्रेसिंग हो रहा है हल्दिया पोर्ट का, हमने वो चैनल को चालू कर दिया। आपने कहा कि मैं रोड पर आज बोलूंगा नहीं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार रोड पर भी चर्चा सभागृह में होने दो और एक एक रोड वाइज सवाल पूछो। मैं आपको कहता हूं, जब मैं मंत्री बना तो रोड लगभग 2 किलोमीटर पर डे बन रहा था और आज हमारा इस साल का औसत है 28 किलोमीटर पर डे। हाँ, और मैं 28, और मैं आपको विश्वास देता हूं कि अगले साल जब पूरा होगा तो 40 किलोमीटर पर डे के साथ बना। अब आपने पूछा सागरमाला कहां गया, सागरमाला क्या हुआ, तो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट है। सागरमाला जो है ये पोर्ट लेट डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें 4 लाख करोड़ जो है वो पोर्ट रेल कनेक्टिविटी, पोर्ट रोड कनेक्टिविटी एंड मॉडर्नाइजेशन एंड मेकेनाइजेशन ऑफ पोर्ट के ऊपर है। सौगत जी, आज मैं आपको 1,80,000 करोड़ के काम इसमें अवार्ड हो गए हैं, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ सभागृह सामने बता रहा हूं। जो 14 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ बाकी के है, हमारे मुंबई के सांसद यहां बैठे हैं, उसमें 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, 2 इकोनॉमिक जोन है। अब आप विषय ने पर ये केवल मुंबई के सांसद बैठे इनको बताना चाहता हूं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक ताइवान की कंपनी आई, मैंने कहा एफिडेविट करा के दो। मैं इनके सामने कह रहा हूं, एक पोर्ट 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर और 125,000 मराठी महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार देगा महाराष्ट्र में, ये मैं कह रहा हूं। तो ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर कांडला में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। आपसे, आप सीनियर मेंबर हैं हमारे डिपार्टमेंट पर, आप जरूर इसमें चर्चा उपस्थित कराइए, मैं पोर्ट के ऊपर और सागरमाला पर आपको बताऊंगा। आपने भारतमाला का कहा, अब भारतमाला फर्स्ट फेज में 25,000 करोड़ की है, 7,50,000 करोड़ की। अब 7,50,000 करोड़ में से 25,000 में 16,000 के डीपीआर पूरे हुए हैं। ये सम्माननीय अंडमान निकोबार के सदस्य बोल रहे थे, केवल इनके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 10,000 करोड़ रुपए के काम मंजूर करके शुरू कर दिए, केवल घोषणा नहीं हुई। और आपके मार्फत में सभागृह को बताऊंगा, कुछ काम ऐसे कि कोई इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की अड़चन आती है, कोई लैंड एक्वेशन की आती है, कोई पीआईएल डालता है, कोई स्टे लगाता है, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तो कुछ काम अड़ते भी है। और मेरा काम है कि आपको और उसको बुलाकर सॉल्व करना। अड़चने आती है, अड़चने अभी भी है, पर इस सभागृह में कोई एक भी सदस्य ऐसा होगा, मैं हर समय हमारे अधिकारी को यह कहता हूं कि जब कोई एमपी हमारे पास आता है तो उसको फुकट में तकलीफ नहीं है, पांचवें मंजिले पे चढ़ने के लिए नहीं आता, वो कोई व्यायाम करने के लिए नहीं आता, अपना पेट्रोल डीजल फुकट में नहीं फूक रहा है। ये
12-15 लाख लोगों ने चुनकर दिया हुआ लोकप्रति मेरा इसलिए आता है कि लोगों की तकलीफ उसके पास आती है, वो तकलीफ बताने के लिए आता है। और इसलिए उसको टरकाने की कोशिश मत करो, उसके काम को समझो और उसका काम तुमको करना होगा, मुझे भी करना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए आप मेहरबानी करके, बहुत सीनियर है, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपका कभी हम आपको एक गंगा की बात आपने की, मेरा सब जवाब है, केवल गंगा में 5,400 करोड़ रुपए के काम मंजूर हो, एक ही विषय पर आप चर्चा कराइए। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज तीनों जगह मल्टी मॉडल हब का काम शुरू हुआ है। गंगा में 7,500 करोड़ 1,700 करोड़ का 5 साल का ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हल्दिया से पटना तक जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक की इनॉग्रेट हो गई है। और आपके कलकत्ता का हल्दिया डॉक बंद पड़ा था, वो हल्दिया डॉक को मैंने कोचिन शिप यार्ड को लेने के लिए लगाया, वो काम शुरू हो गया है। और ये जो बार चल रहा था अभी भी, आपको पता होगा कि हमने मारुति की गाड़ियां वाराणसी से नॉर्थ ईस्ट और बंगाल भेज दी। अभी 15 दिन पहले 150 सी की दो बैचेस ट्रक की अशोक लेलैंड की चेन्नई से निकलकर बांग्लादेश चली गई। आपके बंगाल के सागर से आगे ब्रह्मपुत्रा तक और ब्रह्मपुत्रा से म्यांमार तक जाने का हमारा प्लान है। बराक नदी में ड्रेजिंग शुरू हुआ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग शुरू हुआ। और इतना ही नहीं तो ये काम कठिन है, पर ये इतना आसान काम नहीं। बंकिंगम कैनाल की आपने बात की, फर्स्ट फेज का काम शुरू हुआ, वो काम हमने अवार्ड कर दिया है। और उसके बाद बाकी भी काम करने के लिए, अब कोई तो कैनाल ही गायब हो गया, घर बन गए उसके ऊपर, इंक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा, पेड़ लग गए हैं, फिर फॉरेस्ट की परमिशन लगेगी। तो पहली बात तो यह सच है कि करीब 10 ऐसे वाटरवेज है कि जिसका काम हमने लगभग टेंडर निकाल दिया, शुरू कर दिया, जिसकी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं, पर मैं इसमें समय नहीं लूंगा। पर मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप इस पर चर्चा करिए। और इसमें लोगों की कल्पना यह सही है कि पानी नहीं है तो कैसे वाटरवेज चलेंगे, पानी नहीं है। मैं अभी रिवर कनेक्टिविटी का मंत्री बना, इस देश में पानी की कमी नहीं है। 3,000 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है। और जो पोलावरम की बात की आपने, और वो मैं पूरा करूंगा, मेरा आंध्र की जनता को आह्वान है कि ये 60,000 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट 2019 पूरी होने कर समाप्त होने के पहले मैं 23 तारीख को आ रहा हूं पोलावरम, मैं खुद उसको चेक कर रहा हूं, भारत सरकार ने वादा किया पूरा होगा। पर उसमें 3,000 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा गोदावरी का, और उसका केवल 125 टीएमसी पानी हमने बचाया। और पोलावरम में वो पानी पंप से लेकर 210 किलोमीटर कैनाल में लाकर अमरावती में विजयवाड़ा में आया, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया पब्लिकली कि 10,000 करोड़ का किसान की आमदनी बढ़ी, 10,000 करोड़। अब मैंने सोचा कि 3,000 टीएमसी पानी जो समुद्र में जा रहा है, इसका अगर 1,500 टीएमसी पानी मैं बचाऊंगा तो मैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की पानी की समस्या ही सुलझाई जाएगी, आपको समस्या ही नहीं रहेगी। और अभी मैं जा रहा हूं, 5 बजे मेरे यहां मीटिंग है, कि पोलावरम के बैग मैं आपके पास भी आ रहा हूं, आपका भी पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, केरल का कोई बाकी नहीं। मैं 5 बजे मेरे यहां मीटिंग थी, दोनों प्लान तैयार हो गए हैं कि जो तेलंगाना में जो कालेश्वर धरण है तेलंगाना सरकार बना रही है, उसके बाद इंद्रावती नदी आती है, इंद्रावती में पानी है, पूरा समुद्र में जा रहा है। इस देश में मुझे इस ताजुब लगता, आप सब लोग सोचो, आप देश के मालिक हो, इस देश में समुद्र में पानी जा रहा है, उस पे ले बहस नहीं, चर्चा नहीं, लेख नहीं, मीडिया में एक वाक्य छप कर नहीं आता। और जो पानी समुद्र में बह रहा है और बाकी राज्य जो पानी एक दूसरे का है, वो 5 और 10 MLD का, उसके लिए एक दूसरे के लिए कोर्ट में लड़ रहे, झगड़ा कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा, मेरे कार्यकाल में मैं आधे से ज्यादा झगड़े समाप्त कर दूंगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का झगड़ा समाप्त हुआ, महाराष्ट्र गुजरात का झगड़ा समाप्त हुआ, और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना को ये इंद्रावती नदी के बाद ये पानी 2 डैम में डालकर कावेरी के टेल एंड तक और पोलावरम का बैक वाटर निकालकर फिर से एक बार इसको पाइप से लेकर 2 धरणों में लेकर फिर गोदावरी का पानी आएगा कृष्णा में, कृष्णा का पानी पिनार में,
और पेनार का पानी कावेरी में जाएगा और ये केवल पानी नहीं जाएगा, ये वाटर वेज बनेंगे और इससे मैं आपको बताता हूं कम से कम लाखों हेक्टर जमीन पानी के नीचे आएगी, पानी की समस्या समाप्त होगी। ये बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ी ताकत मुझे कर, पर यह पूरा होने के लिए टाइम लगेगा। ये कोई 2-3 साल का काम नहीं है, पर यह पूरा होने के लिए टाइम लगेगा। ये कोई 2-3 साल का काम नहीं है, पर आज मैंने मेरे ध्यान में आया कि हिमालय के नदियों में पानी पानी है, पर जो हिमालय के वैली को छोड़कर जो नदी आती है उसका पानी समुद्र में जा रहा, वो पहले क्यों नहीं हराना चाहिए? सोच हमने बदली और मैं आपको विश्वास देता हूं इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और इसलिए नदी में पानी आएगा कैसे, तो पहले हम लोग गंगा में 45 मीटर बीड का ड्रेजिंग कर रहे हैं। अब ड्रेजिंग करने के बाद वो जलमार्ग बनेगा, 3 मीटर ड्राफ्ट होगा। और अभी कोई आता है तो कोई कहता है तुम ये बैरेज क्यों बना रहे, ऐसे एक तो बड़ी अच्छी बात है इस देश में, कोई काम करो करके कहने के लिए नहीं आता, जो आता बोलता काम पहले बंद करो, पहले बंद करो। ये आपको और मुझे सोचना होगा, सवाल ये बीजेपी कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, सवाल देश के 125 करोड़ जनता का है कि उनको पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नदी में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी उठ जाती है, अभी मेरे कमेटी में सभी सांसदों ने कहा बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है, मैंने कहा मैं ड्रेजिंग करूंगा और ड्रेजिंग से निकली हुई सैंड जो है उसकी मैं फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाऊंगा, नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके प्लास्टिक की नए ऐसी स्ट्रेंथ के मटेरियल आए उसमें पत्थर डाल देंगे, उसकी दीवारें खड़ी कर देंगे ताकि पानी गांव में नहीं जाएगा, बाढ़ का नुकसान नहीं होगा। एक तरफ ड्रेजिंग का ड्रेजिंग होगा, दूसरी ओर बाढ़ का नुकसान नहीं होगा। ये इसमें किया है, जैसे रिवर पोर्ट है एयरपोर्ट है वैसे रिवर पोर्ट बनाने की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात जरूर है कि रोड के काम में तो काफी काम हो गया, अभी तो 7.5 लाख करोड़ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड पर, बिल्कुल आप सब लोग लिख लेना अपने डायरी में, मैं तो पब्लिकली कहता हूं, और एक आधा काम नहीं करना होगा तो डंके के चोट पर चिल्ला के बोलता हूं तुम्हारा काम मुझे पटता नहीं, मुझे ये करना नहीं, अगले बार मेरे पास आना नहीं, तेरा समय गंवाना नहीं। और करना है हाँ या ना में दो ही बातों में मैं बात करता हूं, तो मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं अधिकारियों को पूछता नहीं, कभी नहीं पूछता ये काम होता कि नहीं होता, मैं अपने तरफ देखता हूं, अगर मुझे पटता है तो हाँ कहता हूं, तो नहीं आया इतने किसी भी एमपी को पूछो आप भी आइए। और इसलिए मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि सपने दिखाने का काम हम नहीं करेंगे, हमारी सरकार नहीं करेगी। और हमने दस साल देखिए ये सपना नहीं है क्या? देखिए पहली बात ऐसी है कि सी प्लेन मैं आपको कभी भी मुझे भी एक बात का दर्द होता है कि क्यों करना चाहिए। मैंने 11 महीने पहले एक बस खरीदी की अमेरिका से लाई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, उसका नाम है एमपीबीएस बस, जो पानी पे चलती और रोड पे चलती, सड़ रही है वहां बस। अब मुझे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा मुंबई में कि यह बस समुद्र में जाने के लिए, अब समुद्र में बस जाएगी तो कोई छोटा सा रास्ता तो बस को पानी में तो बनाना पड़ेगा ना, वो बोलता रास्ता नहीं बनाना, तो मैं लगा हवा हाथ में लेके बस पानी में फेंकू क्या, बस जाएगी कैसे, बस वहां सड़ रही। अब आपको बताता हूं, आप सी प्लेन की बात कर रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। अब सी प्लेन में ऐसा है कि हवा में चलता उसको एरोप्लेन कहते हैं और पानी में चलती उसको बोट कहते हैं। तो हमारे एविएशन मंत्री गए, उनको मैंने कहा ये सी प्लेन नहीं है, ये फ्लाइंग बोट है, मैं इसको फ्लाइंग बोट कह रहा हूं, तुम उसको सी प्लेन करे, दोनों का कहना एक ही है। मैंने बोला 3 महीने के अंदर तुम कानून बनाओ, नहीं तो मैं नया फ्लाइंग बोट का कानून बनाकर ठप्पा लगा के अपना कानून बनाऊंगा। अब ये हवा में और पानी में चलने के लिए हमने अमेरिका से कानून लाया, हमने कनाडा से कानून लाया, ये बात आपकी सही है, पुराने सालों से वहां चल रहा है, और वो कानून लाकर एविएशन मिनिस्ट्री एयरपोर्ट अथॉरिटी और हमारी डायरेक्टर ऑफ ये पोर्ट अपना ये शिपिंग दोनों मिलकर एक एक्ट बनाकर पास करना होगा। अभी आपको मुझे बताए खुशी हो रही कि नदी में जब ड्राफ्ट बनेगा तो हम लोग बने तक बैरेजेस नहीं बनाएंगे, पर कुछ जगह पर हमको बैरेजेस बनाने पड़ेंगे और ये बैरेजेस अमेरिका में बने हैं, जर्मनी में बने हैं, जापान में बने हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी आके कोई हमको कहता ये मत करो। अभी मुझे ग्रीन जज ने निर्णय दिया
कि यमुना में अगर यमुना में ड्रेजिंग करना है, यमुना में ड्रेजिंग करना है और पानी बोट चलाना है तो इलेक्ट्रिक पर भी बोट चलेगी। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पर बोट कहां से लाऊं मैं? बंद कर दिया काम उन्होंने, एक टेंडर निकाला था रुक गया। ऐसे अड़चने पर मैं उनको दोष नहीं देता, मैं ये मानता हूं कि इन सब समस्याओं पर बात करनी होगी, लोगों को विकास का मुद्दा समझाना होगा, इथिक्स इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोनॉमी को भी मजबूत करना है, इथिक्स के साथ भी चलना है और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को भी संभालना है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, हम तीनों बातों का संबंध में रखेंगे। और इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि 111 नदियां हैं, अभी मुझे सन्मान्य सदस्य के चंबल नहीं आई, अब मैं एक मुख्यमंत्री जी नाम नहीं बताऊं, उनको क्या तुम्हारे प्रस्ताव भेजो, बोले हमारी नदियां तुम ले लेंगे, अब मैं नदियां लेके मेरे जेब में डाल के मैं कहां ला कर अब मैं नदियां का क्या करने वाला हूं, नहीं बनाया। अब 111 में जितनी नदियां आई उतना बिल पास हो गया, अब कोई भी नदी जलमार्ग करना है तो मुझे फिर से नया बिल लाना पड़ेगा, फिर संसद के सामने आना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में जाना पड़ेगा, फिर कैबिनेट में जाना पड़ेगा और एक एक नदी को जोड़कर उसको जलमार्ग कहना होगा। मैं आपके मार्फत आह्वान करता हूं कि आपके राज्यों में जो भी नदी इसमें नहीं आई है, ये मीठी नदी नहीं आई है मुंबई की, ये डालो उसमें, और जितनी नदियां नहीं आई है उतने नदियों का आप फिर से मुझे बताओ, मैं फिर बिल बनाकर आपके पास आऊंगा और आपकी अनुमति लूंगा। अभी मुंबई की बात की आपने, 15 दिन के अंदर आपके साथ ही सावन जी हम लोग नया क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं मुंबई में, 800 करोड़ का हम उसका भूमि पूजन कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब 80 क्रूज आए, एक क्रूज में 4000 लोग आते हैं और एक क्रूज तो मैं देखने का हैरान हो गया, ये जो है ना संसद का हाल, इससे 4 गुना बड़ा हाल था, और मैं और मुख्यमंत्री अंदर गए हम देखते रह गए, इससे स्टेज इतना बड़ा था, 4000 रूम्स थी, 28 रेस्टोरेंट थे, और ऐसे 80 क्रूज मुंबई आए इस साल और 5 साल में 950 क्रूज आ रहे हैं। और ये जो हमारे अंडमान निकोबार के सन्मान्य सदस्य बैठे यहां मुंबई विष्णुपद राय, मुंबई से अब मैं कह रहा हूं कि मुंबई से अंडमान निकोबार क्रूज शुरू होगा, उसके लिए हमने भूमि तय की है, और ये मुंबई टू गोवा एक नया 500 सीटर का लग्जरी क्रूज एक महीने के अंदर बैठकर हम लोग वहां से जाएंगे और मुंबई गोवा की सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा अभी सन्मान्य सदस्यों को, गंगा में 7-स्टार 5-स्टार क्रूज अभी आज है, वाइजाग भी आएगा, गंगा में 7-स्टार 5-स्टार क्रूज, मैं आपको अपील करता हूं कि देश के युवाओं को, अभी मैंने रशियन सरकार के साथ कैटरमेरन बनाने का एमओयू साइन कर रहा हूं, वो कैटरमेरन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, हमारे नदियों में जाएंगे समुद्र में जाएंगे, 20,000 किलोमीटर का सी फ्रंट और 111 नदियों का 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ, 5 लाख तालाब और उसके साथ ये 6,000 बड़े डैम और 1 फीट पानी पर हवाई जहाज उतरता है पानी में 1 फीट पर, ये तो खेत में भी उतर सकता है 300 मीटर में, और ये जैसे स्टेट ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, ये हवाई जहाज की कीमत ऐसी है कि 9 सीटर जेट इंजन के हवाई जहाज की कीमत ये 150 करोड़, और मैंने उनको कहा मेड इन इंडिया करो, तो उसने कहा मुझे कितने में आना चाहिए, मतलब 8 करोड़ में बनेगा क्या? बोले 12 करोड़ में बनेगा, तो 12 करोड़ में बनेगा, यह सस्ता कोई भी खरीद सकता है, और दिन भर चक्रे मुंबई जौपाली से निकले, शिरडी साई बाबा का दर्शन लेने वहां से उतरे, वहां से निकले मुंबई वापस आए, मुंबई से अभी आपके यहां अंडमान निकोबार गोवा जाना है, मुंबई से निकले गोवा में गए, गोवा समुद्र उतरे इधर आए, रिवोल्यूशन होगा। और ये बात सही है कि इनोवेशन एंटरप्रीनरशिप टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है, और इसलिए हम इलेक्ट्रिक की बस ला रहे हैं, इथेनॉल की बस ला रहे हैं, मिथेनॉल की बस ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक की बाइक ला रहे हैं, इथेनॉल की बाइक ला रहे हैं, किसान फ्यूल तैयार करेगा, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ये कठिन है सब, ये बातें बताने के बाद इसको पूरी तरह लाने में काफी समय लगेंगे। अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि इतने सबके ऊपर पिछले अनेक सालों में क्या हुआ, तो मैं ये नहीं चाहता किसने क्या किया और नहीं किया, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई सोच देश की दी है, नए भारत की कल्पना की है। आप मैं क्या बताऊं, कितने हाईवे बनाएंगे जी? अरे हाईवे ऐसा हो गया कि हर इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ियां खरीद रहे लोग, आप गाड़ियां मत खरीदी करो। मैं अभी साइकिल ट्रैक किया, अभी हमारे राज्य मंत्री यहां बैठे हैं,
हम लोग एक 14 लेन का रोड बना रहे दिल्ली में, इस दिसंबर एंड तक उद्घाटन कर रहे स्वामीनारायण में। मैंने कहा आप और मैं साइकिल लेके सब एमपी को लाएंगे और साइकिल पे रेडियो उद्घाटन करेंगे, क्योंकि गाड़ियां अब इतनी गाड़ियां है, 22% ग्रोथ रेट है ऑटोमोबाइल का, और इसी स्पीड से अगर गाड़ियां बढ़ेगी तो मुझे हर 3 साल के अंदर नेशनल हाईवे को एक लेन ऐड करनी पड़ेगी। उसका खर्चा 80,000 करोड़ है। देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है जिसमें से 96,000 केवल राष्ट्रीय महामार्ग था। हमारी सरकार आने के बाद मैंने अभी तक 1,70,000 किलोमीटर दुगना कर दिया। ये इतने से कोई लोग ऐसा नहीं है, जो जो मांगा उसको नेशनल हाईवे बना के दिया, क्योंकि उनका सही था। अब 2 लाख किलोमीटर करेंगे तो उसके काम होने के लिए टाइम लगेगा। पिछले साल 16,500 करोड़ के अवार्ड हुए, इस साल 20,000 करोड़ के अवार्ड करना है। और मैं मानता हूं कि इसमें अड़चने है, तकलीफें है, पर धीरे धीरे ये ट्रैफिक, पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। पानी सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, बहुत अंतर है, मैंने आपको बताया, बहुत ही सस्ता है। तेल सस्ता हो जाएगा, सब सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। सेकंड प्रायोरिटी रेलवे और थर्ड प्रायोरिटी टू रोड। अब मैं रोड का मंत्री हूं, मेरे को कभी कभी समझ में आता कि मैं उल्टा बोल रहा हूं कि सीधा बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं रोड कम होना चाहिए, रोड मत बनाओ, रोड का ट्रैफिक कम करो। 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख लोग मर रहे, हर आदमी एक घर में 4 आदमी और 6 गाड़ियां, कैसे देश चलेगा? और इसलिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट पर्याय है। और वाटर ट्रांसपोर्ट में एक ट्रक में आप 10 टन माल लेके जाएंगे। अब ये जो आपके कलकत्ता के हुबली में मैं जो फैक्ट्री लगा रहा हूं, कोचिंग शिप लगा रहा है, उसमें जर्मन से डिजाइन लाया, और जो बार्ज 2000 टन माल लेके जा रहा था उसी इंजन पर वो बार्ज का केवल डिजाइन बदल दिया तो 3.5 से 4 हजार टन माल लेके जा रहा, केवल डिजाइन बदल दिया। अभी फराक्का का गेट आपने बताया, पुला एलएनटी काम कर रही है, 400 करोड़ का रिपेयर का काम शुरू हो गया वहां। और मैं अभी अभी फराक्का की फ्लैश बांग्लादेश जा रही है। और आप, मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आप सबके सहयोग से यह हिंदुस्तान के इतिहास की नई क्रांति होगी, पर यह बहुत कठिन काम है। मैं मानता हूं कि यह शुरुआत अभी हुई है। अब इसको आपने 2000 करोड़ दिए, क्या होगा 200-400 करोड़ में? कुछ नहीं होता। पर मैंने फिर उसमें मार्ग निकाला। आपने कहा क्या कर रहे हैं सागरमाला में, मैं मंत्री बना पहले साल 7 मेजर पोर्ट 12 मेजर पोर्ट का प्रॉफिट 3000, दूसरे साल 4000 करोड़ प्रॉफिट, तीसरे साल 5000 करोड़ प्रॉफिट, और इस साल 7000 करोड़ प्रॉफिट होगा। और मैंने प्रॉफिट वाले पोर्ट के चेयरमैन को बना एक सब्सिडी कंपनी खोलो, बोले हमारा क्या काम है? मैंने बोला चलो तुम अभी रिवर ट्रांसपोर्ट में काम करो। बोले सर हम कैसा करें, घाटे का काम है। बोला प्रॉफिट का काम करते हुए किसका प्रॉफिट है, तुम्हारा है कि सरकार का है? ये हिंदुस्तान की जनता का है, तुम्हारा प्रॉफिट इनलैंड वाटरवेज में डालो। ये सब महाराष्ट्र के पोर्ट जलमार्ग बनाएंगे, जेएनपीटी, वहां प्रॉफिट है। और ये पैसा करके फिर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, और आपके सहयोग से कुछ पीपीपी में आएंगे, कुछ प्राइवेटाइजेशन में आएंगे, कुछ हाइब्रिड एन्यूटी में करेंगे। और मैं मानता हूं कि 2 साल में कम से कम 12-15 जलमार्ग हम बना पाएंगे तो भी काफी होगा। पर इतना सब काम करने में काफी समय लगेगा, अनेक समस्या आएगी, अनेक अड़चने आएंगी, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम आएंगे, आप सबके सहयोग के बिना ये हम नहीं कर सकेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अगले बार जरा रोड की अलग चर्चा करिए, रिवर वे इसकी अलग करिए, पोर्ट की अलग करिए, ताकि आपके सब बातों का जवाब देने का अवसर मिलेगा। पर मैं आप सबका आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने यूनैनिमसली इसका सपोर्ट किया है, और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है वो पूरी करेंगे, और निश्चित रूप से आप इस बिल को आप मंजूर करने की भी कृपा करिए, और इस काम को आप सहयोग करिए। यही आपसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नाउ द क्वेश्चन, वेरी गुड।